भाई टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के लिए आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक तो वो पहली बार टीम को वनडे वर्ल्ड कप में लीड करेंगे, साथ ही ऐसा बैटर रोहित शर्मा की नजर होगी ऐसे 5 रिकॉर्ड्स पर जो उन्हें बना देगा वनडे वर्ल्ड कप का बेताज बादशाह। नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। तो हम बात करें इस वर्ल्ड कप में उन 5 रिकॉर्ड्स की जिन पर रोहित शर्मा अपने नाम की मोहर लगाने की फिराक में होंगे। रिकॉर्ड नंबर 1, मोस्ट सेंचुरीज इन वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप 2023 में एक शतक लगाते ही रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर बन जाएंगे और इसी के साथ वो सचिन के 6 शतकों के आंकड़ों को पार कर लेंगे। शतकों की टॉप 5 लिस्ट में सचिन के बाद है श्रीलंका के पूर्व कप्तान संगकारा, फिर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग और फिर 5वें नंबर पर डेविड वार्नर। रोहित का यह तीसरा वनडे वर्ल्ड कप होगा और अब तक अपने 17 मैचों में वो 6 सेंचुरी जमा चुके हैं, जिनमें से 5 तो 2019 में ही आई हैं। अब बात करते हैं रिकॉर्ड नंबर 2, फास्टेस्ट 1000 रन्स इन वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में अगर 22 रन बना लेते हैं तो वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में वो सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज होंगे। रोहित ने अब तक वनडे वर्ल्ड कप में 17 मैचों में 6 शतक और 3 अर्धशतक के दम पर 978 रन बनाए हैं। 22 रन और स्कोर करते ही रोहित वर्ल्ड कप के 1000 रनों के क्लब में शामिल हो जाएंगे, जिसमें पहले से ही कई दिग्गज मौजूद। नंबर 6 पर दादा सौरभ गांगुली, जिनके नाम 21 वनडे वर्ल्ड कप में 1004 रन है। एबी डिविलियर्स 23 मैचों में 1207 रन। नंबर 4 ब्रायन लारा 34 में 2225 रन। नंबर 3 कुमार संगकारा 37 मैचों में 1532 रन। रिकी पॉन्टिंग 46 मैचों में 1743 और सचिन तेंदुलकर नंबर 1 45 मैचों में 2278 रन। आगे बढ़ते हैं रिकॉर्ड नंबर 3, मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआईस। वर्ल्ड कप 2023 में अगर रोहित 3 छक्के लगाने में कामयाब हुए, जो कि हो जाएंगे, तो उनके नाम दर्ज हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड। इस समय रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 483 इंटरनेशनल मैचों में 551 पारियों में 553 छक्के लगाए, जबकि इस समय दूसरे नंबर पर मौजूद रोहित के नाम 451 इंटरनेशनल मैचों की सिर्फ 471 पारियों में 551 छक्के पूरे हो चुके हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया के वर्ल्ड कप ओपनिंग गेम में ये वाला रिकॉर्ड बन सकता है। वैसे इस लिस्ट में लंबे समय तक रोहित शर्मा का राज रहने वाला है, क्योंकि सबसे टॉप 5 की लिस्ट में मौजूद कोई भी खिलाड़ी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा और इस लिस्ट में एक्टिव प्लेयर सिर्फ रोहित शर्मा ही है। रिकॉर्ड नंबर 4, 18,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। रोहित शर्मा का बैट अगर इस वर्ल्ड कप में चल पड़ा तो न सिर्फ इंडिया को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिल जाएगी, बल्कि रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप के खत्म होते होते दुनिया के महानतम बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अगर रोहित इस वर्ल्ड कप में 358 रन बना लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रनों का आंकड़ा पार कर जाएंगे। और रिकॉर्ड नंबर 5 की बात करते हैं, रोहित वर्सेस धोनी। रोहित शर्मा के पास इस वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का मौका है और ये पॉसिबल तब होगा जब रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में 488 रन बना लेंगे। तब दरअसल भारत की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इस समय वो 6 नंबर पर है। रोहित शर्मा जिनके 10,112 रन है और उनसे एक पायदान ऊपर है महेंद्र सिंह धोनी, जिनके नाम 10,599 रन। इस लिस्ट में ऊपर चढ़े तो नंबर 4 पर है राहुल द्रविड़, तीसरे पर दादा 11,221, दूसरे पर विराट कोहली 13,083 और पहली पोजीशन पर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने बनाए हैं 18,426 रन। तो ये थे वो 5 रिकॉर्ड जो रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में तोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनका बल्ला आग उगलेगा, क्या वो तोड़ेंगे फोड़ेंगे? जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारे चैनल बोले तो क्रिको को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वर्ल्ड कप में बहुत कुछ स्पेशल इस पे होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।